होशंगाबाद थाने की पुलिस ने चोरी का अपराध करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अशोक कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय देव नारायण वर्मा, दूसरा अंशु कुमार वर्मा पुत्र अशोक कुमार वर्मा निवासीगण हांसूपुर घंटाघर के पास थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, तीसरा अभियुक्ता सावित्री पत्नी जोगेंद्र निवासनित रामपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास चोरी की 1 पीली धातु का हार, 2 पीली धातु की माला, 1 जोड़ा पीली धातु का झाला व 1 जोड़ा पीली धातु का कंगन बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि वादी के घर काम करने वाली नौकरानी अभियुक्ता सावित्री उपरोक्त द्वारा घर के अलमारी में रखे जेवरात को चुराकर अभियुक्तगण व्यापारी अशोक कुमार वर्मा व अंशु कुमार वर्मा उपरोक्त को बेच दिया गया था, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक सत्य प्रकाश त्रिपाठी, मधुरेश द्विवेदी, हेड कांस्टेबल लोकनाथ सिंह, अमन कुमार सिंह, कांस्टेबल मोहम्मद फहीम, मुकेश प्रसाद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार द्वारा एक चोरनी और उसको गहना बेचने में सहयोग करने वाले 2 सोनार, उनको गिरफ्तार किया है। मामला ये है कि 10 तारीख की शाम को थाना खोराबार क्षेत्र के रहने वाले एक दंपति ने थाना खोराबार पर एप्लीकेशन दी कि उनका काफ़ी मात्रा का जेवर जो उन्होंने 2008 में शादी के बाद में जो इकट्ठा किया था वो घर से गायब है। उस तहरीर मिलने के उपरांत अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत विवेचना के दौरान थाना एसएचओ खोराबार और उसके साथ की टीम ने सीसीटीवी खंगाले गए घर के, और सीसीटीवी में भी कुछ क्षण के लिए सीसीटीवी बंद मिले, और घर की नौकरानी से ही पूछताछ करने पर जब सघनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूछताछ में गहने चोरी करना कबूल किया, और बाद में उन्होंने किसी सोनार जो कि थाना राजघाट क्षेत्र के रहने वाले सोनार देना कबूल किया। वो महिला जब जब छुट्टी लेती थी तब तब वहाँ से चोरी करके यहाँ पे सोना बेचने के लिए आती थी। करीबन 5 से 6 महीने के दौरान धीरे धीरे किस्तों में इसने ये चोरी की है। इसके सोनार के पास से अभी तक के गिरवी रखे हुए करीबन 6 लाख से ज़्यादा रुपए के सोने के आभूषण हैं वो बरामद किए गए हैं, जो करीबन 85 से 90 ग्राम के बीच का सोना है, और ये बेशकीमती डायमंड जड़ित कई इस तरह के भी पीली धातु के जेवरात हैं, उनको भी बरामद किया गया है। अभी भी पूछताछ जारी है और अन्य कई लोग हैं जिनको भी इसने गहना देना है वो कबूला है, उन सब लोगों से भी सघनता से पूछताछ करके और भी रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे। बाकी इनको आज सावित्री पत्नी जोगेंद्र, ये थाना खोराबार की रहने वाली है, इसको और इसके साथ में अशोक वर्मा और अंशु कुमार वर्मा, इन दोनों सोनार है, इन दोनों को भी जेल भेजा जा रहा है। ये एक ही घर में मॉर्निंग से इवनिंग तक ड्यूटी करती थी, मॉर्निंग में 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, तो फुल टाइम एक ही जगह एम्प्लॉयड थी, और उन्होंने इस घर का पूरा विश्वास जीत लिया था। मेरी सभी गोरखपुर के निवासियों से अपील है कि किसी भी अपने घर के जो आपके घर का सदस्य नहीं है उस बाहर के व्यक्ति पे उसका बिना पुलिस बैकग्राउंड करवाए उसको एम्प्लॉय ना करें। अगर उसको एम्प्लॉय करें तो उसको उन क्षेत्रों घर के उन भागों की परमिशन वगैरह वो सोच समझ के दें, तो किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले कई बार सोचें। सर, वो कितने सालों से वहाँ काम कर रही थी और ये कैसे पकड़ा गया है, क्या सीसीटीवी कैमरा है, किस तरह से? ये प्रॉपर इंटरोगेशन करने से ही पता चला है, सीसीटीवी का इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा, और ये करीबन 1 साल से ज्यादा समय से है वो वहाँ पे रह रही थी। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व विधायक विपिन सिंह ने गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से श्रद्धालुओं से भरी 6 बसों को झंडी दिखाकर अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए रवाना किया, जिसके संबंध में विधायक विपिन सिंह ने बताया कि गोरखपुर से 6 बसें अयोध्या के लिए जा रही है, जिनमें 300 वरिष्ठ नागरिक है जो की प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, जिसमे भाजपा कार्यकर्ता, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता, समाज सेवी व शामिल है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा की वह प्रदेश का पहला जनपद है
है जहां से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई बस अयोध्या के लिए जा रही है। आज के बाद बाकी जगहों से अयोध्या दर्शन के लिए बसें जाएंगी। इससे हमारे जनपद के नागरिक बहुत खुश हैं। हमारे मुख्यमंत्री की सोच बहुत निराली है, वह दिन रात जनता की सेवा करते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जनता के द्वारा अच्छे वोट के रूप में भाजपा को वोट दिया गया है। आगे 2024 में देश में योगी व मोदी की जयकार होगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह श्रद्धालु अभिनव राजन चतुर्वेदी ने कहा, आज हमारी 6 बसें यहाँ लगी हैं और 6 बजे से बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि से हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी हिंदुआ वाहिनी के कार्यकर्ता और सभी हमारे समाजसेवी जितने हैं शहर के या पूरे क्षेत्र के, यहाँ से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए हम पूज महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि पूज महाराज जी ने गोरखपुर वासियों को पहली बार ऐसा अवसर दिया है कि प्रदेश में हम लोग को लगता है गोरखपुर पहली बार यहाँ से जा रहा है। अभी और से जनपद और विधानसभाओं से लोग जाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का दर्शन करने के लिए। और महाराज जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कराई है कि सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जितने हमारे शहरवासी हैं बहुत खुश है कि योगी जी की सोच देखिए कितनी निराली है। और योगी जी दिन रात जनता की सेवा करते जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में जितना अच्छा प्रदर्शन जनता के द्वारा वोट के रूप में दिया गया है और आगे भी आप देखें 2024 में योगी मोदी जी की जयकार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहरा रहा है और निश्चित है हमारे योगी जी की कर्मभूमि है तो यहाँ से कार्यकर्ता पूरे योगी जी के आदेश का पालन करते हैं और आज अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन के लिए यहाँ से कूच कर रहे हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु श्री राम का जो वर्षों से इंतजार था, जो हम लोग इसके आंदोलन को भी सुना और देखा और समझा है, तो उसका एक विराम लगा और वह निश्चित रूप से हिंदू और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही गौरव के पल है, बहुत ही खुशी का पल है। तो इस खुशी के पल में प्रभु श्री राम का दर्शन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सपत्नी जो है अयोध्या दर्शन के लिए। भाजपा के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या नहीं जाने पर कहा कि भगवान श्री राम किसके नहीं है। जब लोगों के ऊपर मुसीबत पड़ता है तब लोग भगवान के शरण में जाते हैं, जब तक अपना बस चलता है तब तक कोई कुछ नहीं कहता है। भगवान श्री राम अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दें, वह भी हिंदू हैं। यदि वह हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजते हैं तो उनको भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव को छोड़कर कांग्रेस बसपा सभी लोगों ने भगवान श्री राम का दर्शन किया है, उनको दर्शन जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह प्रभु श्री राम के ऊपर बयान दे रहे हैं, इससे साबित होता है कि वह मानसिक रूप से विक्षुप्त हो चुके हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, देखिए जाकी रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी तैसी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसके नहीं है। जब आदमी के ऊपर मुसीबत पड़ता है तो लोग तब भगवान की शरण में जाते हैं, जब तक अपना बस चलता है तब तक कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन अखिलेश जी को भगवान सद्बुद्धि दे, भाई वो भी तो हिंदू हैं, हाँ हिंदू धर्म को मानते हैं तो भगवान तो सबके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर अपने मंदिर में विराजे हैं तो उनको भी जाना चाहिए। सारे उनको छोड़ करके कांग्रेस बसपा सारे लोग आए, आखिर क्यों आए भाई? ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ी ओछी मानसिकता के लोग ऐसी राय रखते हैं। देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित राम जी के, अब वो तो हमको लगता है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। वो क्या बोल जाएंगे, किसके बारे में बोल जाएंगे, अपने दल के बारे में बोल जाएंगे, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक दल की राजनीति की, हर दल में राजनीति की है, और किसी के बारे में ऐसा सोचना, किसी की भावनाओं को हाथ करना, ये अति निंदनीय है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दें। गोरखपुर के पटरी व्यवसायियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि मुझे एक ज्ञापन मिला है जिसमें सड़कों के किनारे से पटरी व्यवसायियों को नगर निगम की टीम द्वारा हटाया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि ट्रैफिक को सुगमता बनाए रखने के लिए अतिक्रमण अभियान लगातार चलाए जाते हैं, इसमें जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाता है। हटाने के बाद पटरी व्यवसायियों को वेंडिंग जोन में स्थायी रूप से स्थापित किया जा रहा है। इसमें अभी 5 नए वेंडिंग जोन बने हैं, आगे और भी जगहों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए राजस्व की टीम अपना काम कर रही है। हम लोग जब जाते हैं तो हटाने के लिए पहले बताते हैं, यदि नहीं हटाते हैं तो जब्ती की कार्रवाई करते हैं। इसके लिए हम लोग इनको बता दिए हैं कि जो जब्ती होती है जुर्माने के बाद वापस कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, RKBK के पास ऑलरेडी यह लोग लगाते हैं, पता चला है कि वह जमीन भूमिधर व्यक्ति की है, इसकी जाँच की कार्रवाई की जा रही है। यदि ताल की जमीन होगी तो इनको वेंडिंग जोन बनाकर स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा, अभी कुछ संगठनों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है
जिसमें कि रोड के किनारों से नगर निगम की टीम द्वारा उनको हटाया जा रहा है। इसके संबंध में ज्ञापन उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की मंशा है और नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग ट्रैफिक को सुगमता बनाए रखने के लिए अतिक्रमण अभियान लगातार चलाए जाते हैं। अतिक्रमण अभियान में जितने भी रोड किनारे इस प्रकार के कब्जे हैं, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाया जाता है। हटाने के पश्चात इनको जितने भी हमारे पटरी व्यवसायी हैं उनको हम लोगों ने कई से वेंडिंग जोन भी बनाए हैं, जिसमें कि आप भी जानते होंगे कि 5 अभी नए बने हैं और भी जगह चिन्हित किया जा रहा है। हमने अपनी राजस्व टीम को और पीओ टूडा को निर्देशित किया है कि इसके अतिरिक्त भी और जगह चिन्हित करें, जिससे कि हम इन सभी को इनका व्यवस्थापन विधि तरीके से कराया जा सके। और इन्होंने एक और भी मांगे रखी, जैसे कि अतिक्रमण होता है तो इनको हटाने का ऑप्शन दिया जाता है, अनाउंस पीए के एड्रेस सिस्टम के माध्यम से इनको कहा भी जाता है कि अपना सामान हटा लें, लेकिन उसके बावजूद भी यदि नहीं हटाते हैं तो उनका सामान का जब्तीकरण और पेनल्टी कार्रवाई भी की जाती है, और उसको हम लोग जो भी विधिक रूप से पेनल्टी होती है उसको जमा कराने के पश्चात इनको हम उनके जो भी जब्तीकरण हुआ है उसको हम लोग वापस लौटा भी देते हैं। तो यही इसी मुख्य दो बिंदुओं पे इन्होंने अपनी बात कही है। इसमें इनको मैंने बता भी दिया है कि आपको जगह दिया भी जाएगा और पेनल्टी जो वसूल होगी इसके बाद सामान जब्त किया गया वो वापस लौटा दिया गया। आरके वीके में वेंडिंग जोन इनको दिया नहीं गया है। ये एक ऑलरेडी वहाँ पे ये लोग लगाते थे, जैसा कि ये लोग बता रहे थे कि वो जो ज़मीन है किसी भूमिधर व्यक्ति की है, वो सार्वजनिक ज़मीन नहीं है, इस कारण से उनकी समस्या उत्पन्न हो रही है। जल्द ही उससे वैसे क्योंकि हम लोगों ने उसको अपनी टीम के माध्यम से भेजा है पत्र कि इसको देख लें कि वो ज़मीन क्योंकि बगल में ही ताल की ज़मीन है तो हो सकता है कि वो ताल की ज़मीन हो तो वो सार्वजनिक ज़मीन होगी, यदि किसी भूमिधर की ज़मीन होगी तो वहाँ पर हम इनको वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता। जल्द ही इनको हम ज़मीन वहाँ पे कहीं ना कहीं उचित ज़मीन दे देंगे, जिससे कि अपना वो व्यवसाय कर सके। सर, क्या किसी तरह का आवंटन पत्र जारी किया गया नगर निगम द्वारा? किसमें आवंटन पत्र जारी किया गया वेंडिंग जोनों पर? अभी पूर्व में पहले जारी किया गया था, अभी जो तत्काल जो अतिक्रमण में हटाया जा रहा है इनका सर्वे किया जा रहा है और सर्वे पीओ टूडा के माध्यम से किया जा रहा है। इनको सर्वे कराने के पश्चात उनको जिस वेंडिंग जोन में इनको ठेले या दुकानें लग रही हैं वही जोन इनको। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने संभव दिवस के तहत निगम के सभागार में जन सुनवाई की, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार हर मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत जन सुनवाई की जा रही है, जिसमें विभिन्न तरह की समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि आज 15 मामले सामने आए हैं, जिसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वह मौके का निरीक्षण करके आगे की कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा, शासन के आदेश के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को नगर निगमों में संभव के पोर्टल के माध्यम से जनसुनवाई का काम किया किया जाता है, जिसमें नगर निगम के सभी विभागों से संबंधित समस्याएं आती हैं और जिसका कि सभी अधिकारियों द्वारा उसका समाधान कराया जाता है। आज भी लगभग 15 ऐसे केसेस आए हैं जिन पे लोगों की सुनवाई की जाएगी और सभी विभागों को एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर दिया गया है, रिपोर्ट लगाई जाएगी, मौके की जांच कराई जाएगी और जिस प्रकार की भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई